भाई इतनी गंदी कंट्री साली जिंदगी में नहीं देखी। मैं सोचता अरे था है ही क्या यहाँ पे। मैं सोचता था। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख रहे हैं सेलर सिमली। हम लोग पहुँच आए हैं कुचिंग से सरीके, और सरीके में जा रहे हैं घूमने। और सरीके को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में सरकाई के नाम से जानते हैं। हमारी शिप है पीछे, अनलोडिंग होने वाली है, और हम लोग आ गए हैं सरीके सिटी में। तो चलिए दिखाते हैं आज सरीके का नज़ारा। गाइज, हम लोग मेंस हेयर कटिंग सैलून ढूंढ रहे हैं। शॉप मिल ही नहीं रही है, और अभी हम लोग चले जा रहे हैं रोड के किनारे ढूंढते हैं कोई सैलून मिले जो हम लोग बाल काट सके। यहाँ सब लड़कियाँ ही बाल काटती हैं, लड़कियों का ही। अब जा रहे हैं आगे, एक सैलून दिख रही है आगे, अब देखते हैं। थोड़ा चेहरा दिखाओ, लड़कियाँ तगड़ी आ रही हैं। इधर है हमारे साहिल भाई, इधर रजनीश भाई, और ये रहे मनीष बाबा। हम देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे सैलून खोज रहे हैं सैलून, लेकिन मिल नहीं रहा। अभी मिल तो गया, लेकिन आज संडे है, बंद होने भी का चांस ज्यादा है। हमारे में तेरे बाप को मत सिखा। मंगल भाई थोड़ा बिजी है लोकेशन देखने में। हम लोग जा रहे हैं अभी वहाँ पे। कहाँ जा रहे हैं मंगल भाई? अभी हम लोग जा रहे हैं चैट इलेक्ट्रिक शॉप पे। वहाँ पे हम लोग को जरूर इंडक्शन चाहिए हम लोग को थोड़ा सा, लेकिन मिल नहीं रहा है, लेकिन खोज लेंगे थोड़ा सा। लोकेशन इन्होंने देख रहा है इसलिए। अरे कहना क्या चाहते हो? तो गाइस, हम लोग इलेक्ट्रिक शॉप हम लोग को मिल गई थी, और हम लोग ने ले लिया इलेक्ट्रिक स्टोव। हमारे पीछे है क्रूज का प्लेटफॉर्म, मतलब स्टेशन है ये। थोड़ी सी फेरी आती है, यहीं पे स्टॉप होती है, और इधर घंटा घर चौराहा है। ये घंटा घर चौराहा है, पीछे पेट्रोल टैंक देख रहे, एकदम पान की टपरी जैसी लग रही है यहाँ पे। और यहाँ पे सब लोग को प्यास लग गई थी, तो ये पानी वानी खरीदने गए हैं अभी। और ये दिखाते हैं शॉप यहाँ की। सब फ्रेंड है यहाँ पे, ज़्यादातर सरीके में सिबू में हम लोग को काफ़ी ट्रिप लगती है, तो घूमते हैं, सब लोग पहचानते भी हैं। और यहाँ पे बिस्किट नमकीन सब, पानी बिस्किट सब खरीद रहे हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे चपाती मिलती है, इसीलिए हम लोग जा रहे हैं चपाती लेने। अब ये कौन है बे? गाइस, हम लोग यहाँ पे थक गए थे, तो हम लोग बैठ गए हैं अभी। हम लोग जा रहे हैं मार्केट, यहाँ से सब रेडी हो चुके हैं, अब जा रहे हैं खाना खाने और मार्केट से होटल ले जाएंगे। यहाँ पे सब लोग वेट करते हैं अपने बोट का। ये जंगलों में रहते हैं, इनका छोटा छोटा घर होता है, तो यहाँ पर बोट आती है। अच्छा, इनको लेने पीछे बोट आती है, यहाँ से लोग बोट का वेट कर रहे हैं। जैसे ही बोट आएगी लोग चले जाएंगे बोट से। हम लोग हैं टर्मिनल सेतु में, एक स्टेशन के प्रकार के हैं। एक ये देखिए टर्मिनल सेतु, मतलब टैक्सी चलती है। अबे साले तभी। गाइस, रजनीश भाई एकदम चिकने चमेली लग रहे हैं। इनको एक लड़की प्रपोज कर रही थी यार अभी मलेशिया में, और काफ़ी ज़्यादा लाइक कर रही थी। जहाँ पे इलेक्ट्रिक शॉप थी वहाँ पे गए थे पूछने, तो बहुत ज़्यादा लाइक कर रही थी, और अभी हैंडसम भी लग रहे हैं। कुछ दिन काम करेंगे, फिर उसके बाद सबका कलर उतर जाएगा। अभी ये हमारे इंडिया का कलर चढ़ा हुआ है। ये टकले जो है ना, ये भाई का कलर उतर चुका है एक दिन में ही। शुरू में आए थे तो एक्टिव थे, अभी इनका कलर उतर चुका है, तो धीरे धीरे इनका पूरा कलर उतर। Few moments later. Guys, हम लोग खाना खा चुके हैं यार। बहुत ज़्यादा धूप निकल चुकी थी, बारिश हो रही थी सुबह, और विवेक भाई हमारे एकदम फुल खाना खा रहे हैं, चिकन एकदम तगड़ा से लोड हो चुके हैं। धूप बहुत ज़्यादा एकदम सिर पे लग रही है, और पीछे साहिल, सभी हमारे क्रू जितने इंडियन थे आज सही में पूरे सरीके में, मतलब सरकाई में आज हम ही लोग पूरे घूम रहे हैं। वहाँ की रोड पे देख लीजिए, कोई नहीं है सीधा। गाइस, अब चलते हैं हम लोग थोड़ा सा मसाले की दुकान पे, वहाँ पे हम लोग खरीदेंगे अपना टेस्ट का मसाला,
अरे ये जो पीछे देख रही थी कुछ लड़कियां वो शर्म के मारा भाग गई हैं, क्योंकि ये इंडियन को बहुत ज्यादा पसंद करती है गाइस। समझ रहे हो ना गाइस, और सबसे ज्यादा इस भाई को बहुत ज्यादा पसंद करती हैं। पूरा फेस का कलर इधर उधर हो गया है, और इस भाई का कलर देखोगे तो लगेगा ही नहीं कि ये कल ज्वाइन हुआ है। देख रहे हो, ये इसको कटप्पा के नाम से जाना जाता है हमारे एमबी लीना सिप पर। बॉस और धूप देखेंगे ना, धूप इतनी कड़ाके की लग रही एकदम सिर पे यार, बहुत ज्यादा बाल वोल एकदम से जोकर हो गया है। अब चल रहे हैं, थोड़ा सा रिचार्ज वगैरह लेंगे, फिर उसके बाद शाम को जब निकलेंगे ना, लाइट का यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा व्यू अच्छा रहता है, तो शाम को आपको ब्लॉक का व्यू दिखाएंगे काफ़ी अच्छा यहाँ मलेशिया में, सरीके में यानी सरकाई में। गाइस ये समझ लीजिए, सरीके को मैं सरकाई के नाम से जानता हूँ। तो अभी हम लोग आ गए हैं मार्केट में, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मार्केट है, और यहाँ पर ये हरमपंथी कर रहे हैं साहिल और सौरभ भाई, कोल्ड ड्रिंक पी के वो बॉटल फेंक दिया। अब देख रहे हैं क्या हो रहा है यहाँ पे सभी लोग, इस टाइम धूप निकली है तो सभी लोग केबिन में अपने कमरे में घुसे हुए हैं, काफी ज्यादा धूप है यार गाइस। हाँ ये भाई साहब करता था, भाई साहब मलेशिया के बारे में कुछ कहना चाहते हैं, मलेशिया के बारे में कुछ मनीष भाई कुछ कहो यार। भाई इतनी गंदी कंट्री साली जिंदगी में नहीं देखी। मैं सोचता था इंडिया, मतलब कि हमारा इंडिया थोड़ा सा पीछे, थोड़ी सी गंदगी बंदगी, यहाँ के पता लगा इंडिया तो बहुत साफ सुथरा है, इतना गंदा मलेशिया, हाय हाय हाय। अब देख लीजिए और यहाँ के बंदे, अरे इतनी चौकुटी शक्ल के हैं। दिखा देता हूँ मैं, बंदे भी दिखा देता हूँ। गाइस हम लोग अब पूरा मार्केट घूम के आ गए हैं पोर्ट के अंदर, और यहाँ पे हमारी शिप अनलोडिंग हो रहा है आयरन रॉड, और ये इतना ढेर सारा सामान, दो बैग फुल है हाथ में है, और इधर आटा वगैरह ले लिए हैं। इधर शिप अनलोडिंग हो रही है और हम लोग पहुँच रहे हैं शिप पे। हम लोग जब जाएंगे बाहर रात में तो वहाँ की आपको लाइट दिखाएंगे, लाइट बहुत अच्छी थी रात के, यहाँ पे लाइट बहुत अच्छी रहती है, काफ़ी चाइनीज़ लाइट लगाते हैं। ये गैंगवे रहा और हम लोग क्रॉस कर रहे हैं शॉर्ट तरीके से, आ गए गाइस शिप पे। टकलू भाई आ रहे हैं हमारे, बहुत वजना चीज लिए हैं, उसकी तो पूरी हिम्मत खसक गई। और पीछे गाइस है पूरा रिवर, इसमें मगरमच्छ पाए जाते हैं यार, बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, अभी हम लोग 4-5 बच्चे देखे थे मगरमच्छ के। ये रिवर रही, उधर से एक बार जा रही है लोडिंग करके, और इधर ये सब बैठे हैं, अभी इनकी ड्यूटी चल रही थी गाइस। ओ बाबू गोसाई। 6.5 hours later गाइस हम लोग फिर शिप छोड़ चुके हैं, अब आ गए हैं सरीके सिटी में, और टकलू भाई हमारे सब चीज़ चेंज कर लिए हैं, हम भी चेंज कर लिए हैं, सब लोग चप्पल पे ढूंढ घूम रहे हैं, और इधर रनीश भाई घूम रहे हैं। मतलब शाम को टहलने में वो मज़ा दिन में नहीं रहता, और जब हम लोग घूम रहे हैं ना तो कोई बंदा ज़्यादा है नहीं, और लाइट का व्यू अच्छा है। अब चाहे दौड़ो चाहे घूमो चाहे जो करो, ये हमारा जलवा है यहाँ पे। और इंडियन पर्सन अभी हमारे जितने फ्रेंड थे वो लोग उधर खा पी करके आराम से जा रहे हैं सिप पे, हम लोग काम वम बंद करवा के, कार्गो जितना लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था सभी चीज़ें हम लोग बंद करवा के अब आ गए हैं। हम लोग की पूरी रात मौज ही मौज है, अभी इधर कुछ स्केच कर रहे हैं, ये स्केटिंग कर रहे हैं। तो अरे बाबू, वन मोर टाइम, No, you do. No, I don't know. I don't know.
आई डोंट नो ब्रो, वन टाइम यूज, वन टाइम यूज। गाइज यहाँ पे मुझे लग रहा है कि ये जो एक बंदे बैठे हैं वो टीचर हैं और स्केटिंग कर रहे हैं सब। यहाँ पे रात में बढ़िया अच्छा भीड़ नहीं रहती है, तो स्केटिंग करो चाहे राइडिंग करो चाहे स्टंट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये पार्क है एक तरीके से, और उजाला भी काफ़ी अच्छा है। और देख रहे हैं नदी साइड, हम लोग के पीछे नदी है, मतलब रिवर है, वहाँ पे पूरा अंधेला हो चुका है। उधर से पोर्ट भी हम लोग का मिल जाता है। फेस तो एकदम उजड़ा, चमन में गुलाब खिलाए हैं, ज़बरदस्ती आए हैं भाई हमारे यहाँ से रहे हैं, उजड़ा चमन में गुलाब क्या खिलाए हैं। कई सामने का नज़ारा दिखाते हैं आपको। अब आ गए हम लोग ये देखिए लाइट के पास। गाइस ये देखिए लाइट मटकी में लगा के रखी ना, मटकी है मटकी है ना। और ये यहाँ पे देखिए इतना बदबूदार गंधक निकल रही है बर्गर से, इस साला पलटी हो जाए, इतना घटिया टेस्ट वहाँ के लोग हैं। हाँ गाइस बताओ बताओ बताओ, यहाँ पे हर चीज में बीफ मिला देते हैं। अगर आप यहाँ पे मलेशिया में आए तो हमेशा सेफली कुछ भी खाएं तो बहुत सेफ ही खाएं, अगर आप इंडियन हैं तो। अगर आप बीफ नहीं खाते हैं, नॉनवेज बस खाते हैं, बीफ नहीं खाते हैं, तो बिल्कुल देख दाख के खाएं, नहीं तो फिर बहुत। हाँ गाइस अगर आप मलेशिया आ रहे हैं फर्स्ट टाइम, तो कहीं पर भी मलेशिया में एंट्री करेंगे तो आप बर्गर खाएंगे तो उससे बोल दीजिएगा डोंट यूज बीफ, आई एम हिंदू। हाँ क्योंकि ये गाइस यहाँ पे बिना पूछे, क्योंकि सब मुस्लिम होते हैं तो बीफ हर चीज़ में बीफ बीफ हर पाउडर आता है छिड़क देते हैं, और लिक्विड आता है उसको डाल देते हैं चटनी जैसे। यहाँ पे जैसे गाजर हम लोग नहीं खाते हैं, सलाद यहाँ सलाद जैसे खाते हैं, यहाँ पे बीफ यूज होता है हर जगह, बीफ छोटा छोटा जगह बीफ, बीफ पाउडर, बीफ वो हल्का हल्का हर एक चीज़ बीफ में यूज होता है। बीफ मत बोलो क्योंकि मलेशिया वाले समझ लेते हैं इंग्लिश, तो हम लोग हिंदी में बात करेंगे गाइस। गाय के मांस का बहुत सी सेवन यहाँ पे होता है, तो हम लोग को कई बार मिला भी है, तो हम लोग बोल देते हैं कि व्हाट इज दिस, तो बोलते हैं बीफ, तो बोलते हैं ब्रो डोंट यूज हेयर बिकॉज आई एम हिंदू, तो बोलते हैं ओके ओके। तो गाइज आप भी स्वच्छ रहें गाइज। अब हम लोग जा रहे हैं सिप पर, और नेक्स्ट ट्रिप हमारी है सिब्बू के लिए, और हम लोग यहाँ पे घूम चुके हैं। अरे आराम से ले गया भाई, यहाँ पे रूल ही नहीं, इस चीज के बारे में रूल नहीं है कोई। चाहे गाड़ी में ब्लैक शीशा लगाइए, साइलेंसर एग्जॉस्ट चाहे जितना बम्फार लगा दी, डीजे सेट करके चले, रूल इसके लिए कोई चेक नहीं होता। बाकी जितना भी ट्रैफिक का रूल है वो सब फॉलो होता है। हम लोग को आज यहीं तक जाना चाहिए सिप पे। अब हमारी सिप जा रही है सिब्बू, और वहाँ पे सिब्बू में जाएंगे बाहर, तो वहाँ का ब्लॉग अलग रहेगा। आज के लिए यहीं तक, तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले। अगर वीडियो अच्छी लग रही है गाइस, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट में ज़रूर बताएं, और जय हिंद लिखना गाइस बिल्कुल मत भूलें। वीडियो शेयर जरूर करें आप, क्योंकि आपको मर्चेंट नेवी के बारे में पूरा हर एक चीज़ पर डिटेल पता बिल्कुल गाइस, क्योंकि हम लोग बैक टू बैक सेल करते रहेंगे। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, गुड नाइट।